ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के तत्वधान में गुड फ्राइडे पर्व का आयोजन लाजपत भवन मोती झील कानपुर में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तजनों ने उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए महान बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम का आरंभ तू ही मार्ग है नामक गीत से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिशप पंकज राजमलिक ने बताया कि किस प्रकार समस्त मानव जाति के पापों के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। इसके उपरांत 7 पादरियों ने क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई 7 वाणियों पर प्रकाश डाला। पैराडाइज एंजल बैंड के मधुर गीत संगीत जैसे मैं आज़ाद हूँ गीतों को सुनकर सब आत्मविभोर हो गए। कार्यक्रम के उपरांत सभी भक्तजनों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती अनुपमा मलिक, पादरी सागर, मैसी, अनुराज, श्रेयराज, अभिमन्यु, सौरभ राज, रिक्की, अमन, एल्विन, मनीष। फ्राइडे का कार्यक्रम आपका यहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में बताएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने समस्त पृथ्वी के लिए अपनी जान को सलीब पर दिया और हमारे गुनाहों को उठाकर हम सबों को पाप से मुक्ति दी और ये कहा कि आप गुनाह ना करना और उसके बाद एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे को गले लगाना और एक दूसरे की इज्जत करना। हमारे लिए सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम जाकर एक दूसरे से मोहब्बत करें और उनको शिक्षा दें कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दें और कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से प्रभु को दुख पहुँचे। पंकज जी, जैसा कि माना जाता है गुड फ्राइडे, तो ये गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? देखिए, गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को सलीब पर दिया, इसलिए कि हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। तो जब हमारे गुनाह आज के दिन माफ़ हो जाएंगे तो हमारे लिए तो ये गुड है और इसलिए हम लोग इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। क्या कोई विशेष अपने समाज को मैसेज देना चाहेंगे आज गुड फ्राइडे के दिन? मेरा मैसेज आज कानपुर सभी समाज के लोगों से है, हमारे लिए कोई धर्म विशेष की हम शिक्षा नहीं देते, हमारे लिए सबसे पहला हम भारतीय हैं और अगर हम भारतवर्ष में रहकर समस्त लोगों से प्यार कर रहे हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि एक हमारे लिए भारतीय होना धर्म से बढ़कर है। और बहुत से लोग मैंने देखा है धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा महत्व है कि हम प्रभु के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत के लिए काम करें और उनकी शान बढ़ाएं।